संत निरंकारी मिशन की ओर से सफाई अभियान का आयोजन मनोहर लाल शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने भवन के बाहर बनी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की एमजीआई फ्लैट की ग्राउंड सफाई की और 700 पौधों की देखभाल भी की गई ताकि प्रदूषण में वृद्धि ना हो। मंडल की तरफ तो आज 23 फरवरी जो है सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिस दे विच आज साढ़े भवनों की जो है जितनी भी सफाई है वो की जाएगी। बड़ी डीप सफाई होएगी क्योंकि पिछले 2 साल तो संतां भी नहीं हो रही और भवन बंद पे देने, और दूसरे असी पिछले साल कलस्टर ऑफ ट्रीज लगाए सी जिथे जिथे भी डेयरी आल और इतने प्लाट है जेडे हाउसिंग बोर्ड के प्लाट ने, इस दे विच भी ट्री का जंगल लगाया सी, उसकी भी देखभाल अज की जा रही है। और ये सिलसिला जो है ये तकरीबन सफाई अभियान हर साल ही चलता आ रहा है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज निरंकारी मिशन के सतगुरु का जन्मदिन इस दिन होया सी, और इस दिन की विशेष महत्ता है निरंकारी मिशन के विच। और पहले भी ऐसा है सारे शहर की सफाई की जाती सी और पौधे रोपण भी किया जाता सी, जन कल्याण वास्ते सतगुरु ने आदेश हैं। और इस समय भी जो कलस्टर ऑफ ट्रीज लगाए हैं उसकी देखभाल की जा रही है, क्योंकि 3 साल का असी एग्रीमेंट किया है अपने जो साढ़े म्यूनसिपल कारपोरेशन के नाल भी, और जो चेयरमैन साढ़े इंप्रूवमेंट रस्ते आए थे जिन्होंने जगह दी उन्होंने भी, तो इन्हों की देखभाल 3 साल तक असी करनी है तो जो पौधे जो है बड़े हो के भरपूर ऑक्सीजन जी है इस एरिए देन, जो सतगुरु का आदेश आया सी, क्योंकि सतगुरु जब भी जो भी आता है ये मानवता के कल्याण वास्ते आता है, संसार का भला करने वास्ते आता है, क्योंकि सारे ही असी परमात्मा के बच्चे हाँ, तो यह नुमाइंदा होता है परमात्मा का, यह सानू गाइडलाइन दिता है कि सारे असी इंसान एक दूसरे की हेल्प करिए, प्यार नाल मुहब्बत नाल संसार च रहिए, क्योंकि समा असी इत्थे जिन्ने भी आया कोई सदीव काल वास्ते रहन वास्ते नहीं आया, असी केवल अपने कल्याण वास्ते आया। जितों ये अध्यात्मक जागृति पैदा करते हैं परमात्मा का ज्ञान दे के परमात्मा की सोझी देंदे हैं, उत्थे सत्संगत दे नाल ही संसार का भला भी करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगते हैं, सफाई अभियान भी चलते हैं, और भी जितने जितने भी पब्लिक की सेवा हो सके करने की कोशिश करते हैं। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।